दर्शकों, सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में इलेक्ट्रो होम्योपैथ के P1 ग्रुप का शुरुआत कर रहा हूं, जिसमें कुल इसमें 9 दवाएं पाई जाती हैं, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9। तो आज मैं P1 पर जो है चर्चा करूंगा। जैसा कि ये है, आप लोग जानते होंगे या जान लीजिए कि यह पूर्णतः रिस्पायरेटरी सिस्टम की श्वास संस्थान की स्पेशलिस्ट दवा कही जाती है, और यह अपने आप में पी ग्रुप की दवाएं फेफड़े संबंधी श्वास संस्थान की सभी बीमारियों को शमित करने में बड़ी ही कारगर सिद्ध होती हैं। आप P1 का प्रयोग वहां कर सकते हैं जहां गले में खराश हो रहा हो, फेफड़े में कफ सूख गया हो, जम गया हो, खांसी आ रही हो, निकालने में उसको बहुत खांस खांस करके परिश्रम करना पड़ रहा हो, बहुत ही तकलीफ देह की खांसी हो, या फिर जो है कफ ना आ रहा हो, सिर्फ सूखी खांसी आ रही हो, या फिर फेफड़े के अंदर पानी का जो है जमाव हो गया हो, फेफड़े के अंदर स्वेलिंग हो गई हो, सूजन हो गई हो, फेफड़े के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, जांच में यह डॉक्टर्स बता रहे हो कि इन्फेक्शन हो गया है, यह इन्फेक्शन फैलता जा रहा है, ऐसी सब परिस्थितियों में आप जो है P1 का बड़ी सफलता पूर्वक सी ग्रुप की दवाओं का साथ लेकर के, एंजियाटिको ग्रुप का सहायता लेकर के बड़ी सफलता पूर्वक प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें C5, A3, A1 इन सभी दवाओं का जो पिछले दवाओं में जो है मतलब चर्चाओं में चर्चा किए गए हैं। तो P1 रिस्पायरेटरी सिस्टम की अच्छी दवा होने के नाते यह श्वास संस्थान की हर प्रकार की बीमारी को शमित करती है। इसमें जो है इसके फर्स्ट डाइल्यूशंस वहां यूज किए जाते हैं, जैसे कफ सूख गया हो तो उसको ढीला करके निकालने में C5 की सहायता से काम में लिया जा सकता है। यश 2 भी जो है इसकी सहायता में मतलब अपना भूमिका अदा करता है। सेकंड डाइल्यूशन जहां बहुत ही जीर्ण तरह का कफ आने की प्रक्रिया श्वास संस्थान से हो, फेफड़े से हो, गले से हो, वहां जो है इसके सेकंड डाइल्यूशन प्रयोग किए जाते हैं। जहां सेकंड डाइल्यूशन कुछ अच्छी तरह से परिणाम ना दे रहा हो, वहां थर्ड डाइल्यूशन प्रयोग किए जाते हैं। कृपया आप सब इस वीडियो को अंत तक देखें तो यह जान लीजिए कि इसके बाद में लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा जो P1 का बहुत ही कारगर ट्रिक है, बहुत ही पावरफुल नुस्खा है। P1 रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो है सारी कमियों को, चाहे वो फेफड़े की हो, चाहे वो श्वास नली की हो, चाहे वो जो है स्वर यंत्र का हो, या समझ लीजिए कि P1 ग्रुप से आपके श्वास संस्थान में जितनी भी समस्याएं बन पड़ती हैं सारी की सारी उसके क्षेत्र में आती हैं। इसका क्षेत्र बड़ा विस्तृत है, C1 की तरह, जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज पर, बॉडी के टेम्परामेंट पर S1 ग्रुप की दवाएं जो है प्रभावी हैं, उसी तरह से पी ग्रुप के इस क्रम में P1 जो है बहुत ही अपना विस्तृत क्षेत्र रखता है। अब आपको बता दें कि दमे के मरीज का यदि आपको इलाज करना हो तो हमेशा दमे के मरीज का इलाज P1 के 30 पावर से स्टार्ट करना चाहिए, और P1 के 30 पावर के साथ में A330 का भी इस्तेमाल दोनों को साथ साथ लेकर के किया जाए तो दमा की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी।
वह ट्रिक जो मैं बताना चाहता था आप लोगों के सामने, मैं बता रहा हूं कि जैसे किसी भी व्यक्ति को बहुत दिनों से सूखी खांसी आ रही हो, कफ नाम मात्र का कुछ निकल ही ना रहा हो, सिर्फ वो खांसता हो कुकुर खांसी की तरह, कुकुर खांसी में कफ नहीं आते, सिर्फ गला भाए भाए भर भर बोलता है, ठीक उसी तरीके से खांसी व्यक्ति को आ रही हो, तो जो है P1 का 200 पावर का मात्र एक खुराक दवा उसकी व्यक्ति उस व्यक्ति की सूखी खांसी को जो है समित कर देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं P1 दवा के इस चर्चे को यहीं समाप्त करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में मैं P2 के साथ में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखें और प्रभावित हों और लाभान्वित हों, और कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट देना न भूलें, ताकि जो है नेक्स्ट वीडियो में हम किसी भी कमी को जो है सुधार कर सकें और आपके इच्छा अनुसार, आपके मन की चाह के अनुसार जो है वीडियो में प्रस्तुति देने के लिए प्रस्तुत हों। तब तक के लिए मैं सभी अपने डॉक्टर भाइयों को और दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूँ।